बुद्धपादो दुर्लभो 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 लोकस्मिन् मनुष्य भाव दुर्लभो दुर्लभो दुर्लभं सद्धं श्रवणं दुर्लभ सद्धा संपत्ति पब्बचित भाव दुर्लभो। अनंत काल से समय समय पर लोक में सर्वज्ञानी बुद्ध जन्म लेते हैं। प्रत्येक बुद्ध लुप्त हुए कल्याणकारी शुद्ध धर्म के मार्ग को पुनः प्रकाशित करते हैं। शुद्ध धर्म अर्थात प्रकृति के नियम, जिनके अनुपालन से जीव सब दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसे मार्ग से लाखों का कल्याण होता है। नियति के विधान से कालांतर में उनकी मंगलमय शिक्षा रूढ़ी में परिवर्तित हो जाती है। उस पर विपुल साहित्य तो रचा जाता है, लेकिन धर्म का सार निकल जाता है। धर्म के मार्ग पर लोग चलना छोड़ देते हैं और रह जाती है केवल शब्दों की गूंज। कई कल्पों पूर्व एक दृढ़ संकल्पी तपस्वी सुमेध उस काल के बुद्ध दीपंकर से प्रभावित हो और उनके आशीर्वाद से बुद्ध बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता है। कई जन्मों तक भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हुए, अपने चित्त को शुद्ध बनाते हुए, अपने संकल्प को और सुदृढ़ करते हुए बोधिसत्व सुमेध ने ईसा पूर्व 624 में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। भरी जवानी में गृह त्याग कर 6 वर्षों के गहन तप और साधना द्वारा सिद्धार्थ गौतम ने वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबोधि प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने परम करुण चित्त से विचरण करते हुए उत्तरी भारत के लाखों लोगों को शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपने अर्हत बने शिष्यों को देश भर में वही करने भेजा। लाखों लाखों का चहुं और कल्याण हुआ। उनके करीब 2 शताब्दी पश्चात सम्राट अशोक नाम का बड़ा योद्धा शासक हुआ। कलिंग युद्ध में स्वयं द्वारा किए हुए भारी रक्तपात और हिंसा से उत्पन्न ग्लानी से अशोक विचलित हो उठा। विपश्यना साधना सीख कर मन की शांति पाई। चंड अशोक धर्म अशोक बन गया। जीवन भर धर्म का